नमस्कार, मैं विधि अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावी समीकरण में। आइए लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा की दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट हमेशा से ही एक ऐसी सीट रही है जहां जनता हर बार सरकार बदलती है। यहां कभी सीपीआई, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार बनी। सीट पर अनिश्चितता के हालात हमेशा ही बने रहते हैं। इस बार कांग्रेस में टिकट को लेकर एक स्थिति ऐसी बनी कि माँ बेटे ही चुनावी मैदान में आमने सामने हो गए। मतलब कांग्रेस प्रत्याशी देवती कर्मा के खिलाफ उनके बेटे छविंद्र कर्मा ने ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर दिया। लेकिन नाम वापसी के अंतिम दिन छविंद्र ने अपनी मां के पक्ष में नामांकन वापस ले लिया। दंतेवाड़ा की सीट को बस्तर का टाइगर कहे जाने वाले स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की सीट माना जाता है, लेकिन इस सीट पर सीपीआई ही अपनी जीत हासिल करती आई है। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2008 में यहां से भाजपा ने भी अपना कमल खिलाया था, लेकिन 2013 में देवती कर्मा ने वापस इस सीट पर कांग्रेस को काबिज कर दिया। बीते 3 चुनाव में यहां से 2 बार कांग्रेस के और 1 बार भाजपा को जीत मिली है। कांग्रेस ने इस बार फिर अपनी विधायक देवती कर्मा पर विश्वास जताकर उन्हें टिकट दी है। वहीं भाजपा ने 2013 का चुनाव हारने वाले भीमा मंडावी को फिर से मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच सीपीआई ने पूर्व विधायक नंदराम सोढ़ी पर दांव लगाया है। कोंटा की ही तरह दंतेवाड़ा में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि यहाँ भी जनता कांग्रेस का समर्थन सीपीआई को है। 2013 के चुनाव परिणाम, देवती कर्मा 40,417 मत, भीमा मंडावी 35,430 मत, बोमड़ा राव कवासी सीपीआई 12,954 मत। मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारी जो उन्हें अपने प्रत्याशियों के बारे में जाननी चाहिए। देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और 2013 के विधानसभा चुनाव में देवती कर्मा ने कांग्रेस को दंतेवाड़ा में जीत दिलाई थी। देवती कर्मा स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की पत्नी हैं। बस्तर के भीतर में एक बड़े आदिवासी राजनेता के परिवार और विधायक से होने के बाद देवती कर्मा एक आम आदिवासी महिला की तरह ही रहती हैं। मतलब वो अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। चर्चा यह भी है कि देवती कर्मा आदिवासी महिलाओं के बीच अपनी अच्छी पकड़ रखती हैं और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता भी काफी है। सरल और मृदुभाषी व्यक्तित्व के चलते देवती कर्मा जनता के बीच एक अच्छी छवि वाली नेता हैं। भीमा राव मंडावी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और 2008 का विधानसभा चुनाव ये जीत चुके हैं। भीमाराव मंडावी बीजेपी के ऐसे पहले प्रत्याशी हैं जिन्होंने दंतेवाड़ा में बीजेपी को जीत दिलाई थी। इसलिए एक बार फिर पार्टी ने भीमाराव को टिकट देकर सेफ साइड में चलना सही समझा। नंदराम सोरी दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर सीपीआई के बड़े और नामी उम्मीदवार थे। वह अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। इसके साथ ही 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में मिले वोटों के आधार पर सीपीआई दूसरे नंबर पर रही है। बताया जाता है कि नंदराम सोरी की अंदरूनी इलाकों में अच्छी पकड़ है। अब सोचिए कि अगर छविंद्र कर्मा अपनी मां के खिलाफ चुनाव लड़ते तो क्या होता राजनीति का समीकरण। छविंद्र कर्मा दंतेवाड़ा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता। देवती कर्मा को पड़ने वाले वोटों में से भारी तादाद में वोट कटकर छविंद्र कर्मा को मिलते।
और कांग्रेस को अपनी ही सीट पर हार का सामना करना पड़ता। माँ बेटे की इस लड़ाई का सीधा फायदा बीजेपी को होता। अगर छविंद्र कर्मा को नहीं मनाया जाता तो भारी मात्रा में वोटों का बंटवारा होता और बीजेपी के जीतने की संभावना बढ़ जाती। इसलिए समय रहते ही कांग्रेस ने छविंद्र कर्मा को मनाकर चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी। बीजेपी दंतेवाड़ा सीट बीजेपी का गढ़ नहीं है। सिर्फ 2008 के चुनाव में ही बीजेपी ने यहां जीत का स्वाद चखा था। बीजेपी के अंदर भी इस बार फूट के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के ही चैतराम अटामी टिकट के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन आला कमान से टिकट नहीं मिलने की वजह से वो पार्टी से खफा नजर आ रहे हैं। चैतराम ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा था, जिसके बाद उन्हें समझाइश के बाद नामांकन वापस लेने कहा गया। माना जा रहा है कि इस फूट का असर वोटों पर जरूर दिखेगा। इस चुनावी घमासान में जनता का मूड देखकर लगता है कि बीजेपी इस बार यहाँ कमजोर पड़ सकती है। सीपीआई 1993 से 1998 में दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर सीपीआई का दबदबा रहा। अब भी दंतेवाड़ा में सीपीआई मजबूत स्थिति में है। सीपीआई यहाँ दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है और ग्रामीण अंचलों की अगर बात करें तो यहाँ भी सीपीआई को बड़ी तादाद में वोट जाते हैं। साथ ही सीपीआई के पास एक बड़ा वोट बैंक है और वो है मजदूर दल। जी हाँ, सीपीआई को बड़ी संख्या में मजदूर संगठनों का वोट मिलता है। इस बार माना जा रहा है कि कांग्रेस और सीपीआई के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। अंदरूनी इलाकों में सीपीआई को भारी तादाद में वोट मिलते हैं जो कांग्रेस को जीत से रोक सकते हैं। बसपा और आम आदमी पार्टी पर अगर नजर डालें तो केशव नेताम को बसपा और बल्लूराम भवानी को आम आदमी पार्टी से टिकट दिया गया है। हालांकि ये बिल्कुल नए चेहरे हैं जिनसे जनता भी ज्यादा मुखातिब नहीं है, इसलिए इनके जीतने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन ये वोट काटने का काम जरूर कर सकते हैं। इन तमाम सियासी समीकरणों के बीच नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा सीट पर सिर्फ प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है। क्या त्रिकोणीय मुकाबले के बीच कांग्रेस अपनी जीत बरकरार रख पाएगी या फिर भाजपा का कमल रमन के विकास के साथ ही खिलेगा या फिर अजीत जोगी के समर्थन से सीपीआई का खाता यहां खुल पाएगा।